शरीफपुरा में कमसिन बच्ची मारे के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। आईजी और सीसीपीओ की जेरे सदारत वजीर आला पंजाब को वाकई पर उनके दफ्तर में ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब का केस की तफ्तीश में सुस रवि पर बरहमी का इजहार। स्विमिंग पूल मालिक समेत 11 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके। सीसीपीओ की ब्रीफिंग। वजीर आला का बगैर सिक्योरिटी और लाइफ गार्ड चलने वाले तमाम स्विमिंग पूल्स बंद करने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए। आज भी कुछ शरीफपुरा जो लखो डेर में ज्यादती के बाद बच्ची मारिया के कत्ल का वाकया था, इस पर वजीर आला पंजाब से परवेज लाई ने इंतहाई तशवीश का भी इजहार किया और आज आईजी पंजाब पुलिस और सीसीपी लाहौर को फौरी तौर पर सीएम ऑफिस तलब किया गया और वजीर आला पंजाब से परवेज लाई ने केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया। और वजीर आला पंजाब से परवेज लाई का कहना था कि मासूम बच्ची के कत्ल का इंतहाई बर्बरियत का ये वाकया है, केस की तफ्तीश को 3 रोज के अंदर मुकम्मल किया जाए और साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए, तफ्तीश मुकम्मल करके केस का चलान जल्द पेश किया जाए और एडवोकेट जनरल को कहा है कि वहां पर इस केस को भरपूर अंदाज से जो है वो लड़ा जाए। तो वेलाई का कहना था कि मुतासर खानदान को इंसाफ की फ्राहमी के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। साथ ही उनको ब्रीफ किया गया फिजिकल और की जानब से स्विमिंग पूल के मालिक समेत 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। तो वजी अला का कहना था कि दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले मुलजमान करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे। साथ ही वजी अला पंजाब ने हुक्म दिया कि बगैर सिक्योरिटी और लाइफ गार्ड के लियाकत ये भी बताएगा कि मुतासरीन की जानब से कुछ तहफ्फुजात थे, उस हवाले से भी गाइड किया गया वजीर आला को। बिल्कुल जी, तमाम सूरत हाल से ब्रीफ किया गया। बहरहाल वजीर आला का यह हुक्म था कि इस केस पर उन्होंने पीछा उसके वो खुद जायजा लेंगे और इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। शुक्रिया लियाकत।